फ्रेंड्स, मैं रंजित जेएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में कार्यालय परिचारी अर्थात विशिष्ट परिचारी या ग्रुप डी का जो पद है उसकी वैकेंसी आ रही है। बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आ रही है। आपको जैसा मालूम होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इसके नियमावली जो था, भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्त, यही तैयार नहीं था, जिसके कारण वैकेंसी में विलम्ब हो रहा था। अब ये नियमावली बनकर तैयार हो गई है, तो हम लोग पूरे नियमावली को बारीकी से देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भर्ती का प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, नियुक्ति प्राधिकार मतलब आपको नियुक्त कौन करेगा, ठीक है, नियुक्त कौन करेगा, और इसके अलावा प्रोबेशन का क्या पीरियड है, आपके सेवा शर्तें क्या हैं, सबके बारे में काफ़ी बारीकी से समझेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सभी चीज़ों को बारीकी से समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक कार्यालय परिचारी का जो सेवा शर्त है, उसके कार्यालय परिचारी और विशिष्ट परिचारी भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2023 जो है वो 22/9/2023 को ये साइन किया गया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह। और इस नियमावली के अनुसार क्या होगा, कैसे होगा, कौन बहाली लेगा, सबको हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। तो राज्य सरकार से, बिहार राज्य का जो सरकार, बिहार सरकार जो है वो इसके मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है। जो ग्रुप डी भर्ती प्रक्रियाएं थी, ग्रुप डी के भर्ती प्रक्रियाएं नियमावली, उसमें संशोधन करके इसको लाया है। आपको नियुक्त कौन करेगा, तो नियुक्त करेगा बिहार का जो कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग बिहार SSC या BSSC कहते हैं, यही आपको नियुक्त करेगा। तो नियुक्ति प्राधिकार आप समझ गए हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए, कार्यालय परिचारी हम लोग अच्छी तरह जान रहे हैं ग्रुप डी का पद है, तो ये कार्यालय परिचारी आखिरकार हैं कौन, ये ग्रुप डी में कौन कौन आते हैं। देखिए, कार्यालय परिचारी समूह ग में अबला दिया गया है। अब इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक्चुअली है क्या है, 6th पे कमीशन में नियमावली या उससे पहले के नियमावली में ये ग्रुप डी का पोस्ट होता था, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी इसको कहा जाता था। लेकिन 7th पे कमीशन में इसको ग्रुप डी से हटाकर ग्रुप 3 में लाया गया, और मतलब समूह ग में अब इसको तृतीय कर्मचारी कहा जाने लगा, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, तो अनुसेवी का पद आते हैं, आदेशपाल का पद, दफ्तरी, जमानत प्यून, जमानत अर्दली, ठीक है, जमानतदार अर्दली, ये सभी माली, ठीक है, मसालची परिचारी, ये सभी जो पद हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी के अंतर्गत जो भी पद थे वो अब ग्रुप ये परिचारी के अंतर्गत आ गए हैं, अब इनको ग्रुप सी में रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कार्यालय परिचारी है, इसका जो संवर्ग है वो क्या संवर्ग बनाया गया है, तो कार्यालय परिचारी संवर्ग है विशिष्ट कोटि का, चौथा, इसके बाद तृतीय में आपको प्रोन्नति होगी, इसके बाद सेकंड क्लास में आपकी प्रोन्नति होगी, और कार्यालय परिचारी फर्स्ट क्लास में आपको प्रोन्नति होगी। डायरेक्ट बहाली आपकी कहाँ हो रही है, कार्यालय परिचारी 4th ग्रेड में हो रही है। तो ये प्रमोशन का भी एक स्कोप है, ठीक है, ये प्रमोशन का लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, कार्यालय परिचारी के जॉब प्रोफाइल, इसको भी आप लोग डेफिनेट रूप से देखिएगा। वहां सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है कि आपको कौन से काम करने हैं, सैलरी कितनी मिल रही है, आपको प्रमोशन के क्या स्कोप्स हैं, फैसिलिटीज क्या मिलेगी, वो सभी चीज़ों का डिस्कस किया गया है अच्छे से, बारीकी से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ये ग्रुप सी का नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। नियुक्ति होने वाले जो भी संवर्ग होंगे, इसको आप लोग, ये राज्य स्तरीय संवर्ग होंगे, राज्य स्तरीय संवर्ग मतलब स्टेट लेवल कैडर है, ठीक है, स्टेट लेवल कैडर है, और स्टेट लेवल कैडर जैसे ही होगा वैसे ही पूरे बिहार में आपकी कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, स्टेट लेवल का ये कैडर करने का मतलब है। और नियुक्ति होने वाले सरकारी सेवकों का संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा। आप नियुक्त हो जाएंगे तो जिला, जिस जिला में एक बार आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, तो फिर वही जिला में आप रह जाएंगे, उसी जिला में आपको विभिन्न कार्यालयों में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, ठीक है। संग्रहालय में नहीं, अगर नियुक्त हो जाते हैं किसी भी कलेक्ट्रिएट लेवल पर, अगर आपकी नियुक्ति होती है तो वो जिला स्तरीय संवर्ग हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। और विभागों के निदेशालय में अगर नियुक्त होते हैं तो राज्य स्तरीय संवर्ग होता है, ठीक है, तो यह स्पष्ट हो गया है। चलिए, सबसे पहली बात है कि आपको नियुक्त कौन करेगा, भर्ती कौन लेगी, तो भर्ती लेगी बिहार SSC, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बिहार SSC नियुक्त लेगी, और ये सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या हो जाएगी, कि आपको 10th या मैट्रिक पास होना होगा, किसी भी आपको
मान्यता प्राप्त संस्थान से दसम वर्ग मतलब दसवीं पास करनी होगी, आपको टेंथ पास होना जरूरी है, ठीक है। सीधी भर्ती उम्मीदवारों को स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ होना मतलब आपको यहाँ जैसे ही ज्वाइन करने जाएंगे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि मैं स्वस्थ हूँ। अब उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा आप शैक्षणिक योग्यता जान गए हैं, उम्र सीमा देखिए मिनिमम उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष है तभी इस जॉब में आ सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, मतलब जनरल वर्गों के लिए 37 वर्ष, ठीक है, बीसी और ईबीसी के लिए कितने वर्ष, 40 वर्ष, ठीक है, और एससी एसटी और फीमेल के लिए भी 40 वर्ष ही है, और एससी एसटी के लिए ये है 42 वर्ष। तो ये अधिकतम उम्र सीमा हो गया और मिनिमम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष है, तो उम्र सीमा समझ गए। सीधी भर्ती होगी, आपको डायरेक्ट बहाली ली जाएगी, और सीधी भर्ती देखिए सीधी भर्ती होगी तो विभिन्न जिलों से चयन प्रक्रिया में इसमें हम लोग जानेंगे। आरक्षण का लाभ आपको वही मिलेगा जो बिहार सरकार के आरक्षण नियमावली है, जो अभी हाल ही में 75% जो आरक्षण का नियमावली लागू हुआ है उसके अनुसार ये बहाली होगी, रोस्टर उसके अनुसार बनकर तैयार होगा। चयन प्रक्रिया विभिन्न आयोग द्वारा विभिन्न विभागों जिलों को अधियाचना के आधार पर प्रकाशित समेकित विज्ञापन में आपको जिलावार रिक्तियों का उल्लेख किया जाएगा। आयोग कौन है आपका मालूम होना चाहिए कि आयोग है बीएसएससी, बीएसएससी रिक्ति निकालेगी जिलावार के अनुसार। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता तथा विभाग एवं जिला का विकल्प आवेदन में अंकित होंगे, मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कि आप किस जिला में जाना चाहते हैं, किस विभाग में जाना चाहते हैं, मतलब विभाग और जिला का ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर जिला लेवल पर अगर आपका एक बार नियुक्ति हो जाता है तो जिला लेवल का कैडर होगा, उस जिला में आपका कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षा फल के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद तैयार मेघा सूची को से आरक्षण कोटिवार अनुशंसा संबंधित विभागों को उपलब्ध कराएगी, मतलब आयोग क्या लेगा, आपका प्रतियोगिता परीक्षा लेगा, मतलब आपका परीक्षा होगा भाई, ठीक है, परीक्षा होगा, परीक्षा होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो भी संबंधित अनुशंसा होगी वो आपको विभाग करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग में अधियाचना रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की पूरी सूचना उपलब्ध रहेगी, और मेघा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी, ठीक है। आयोग द्वारा विभिन्न जिला आवंटन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र भरते समय दिए गए विकल्पों के अनुसार मेघा सह विकल्प मेरिट कम च्वाइस के आधार पर किया जाएगा, मतलब आपका मेरिट तो आपको तैयार किसके आधार पर होगी, मेरिट के आधार पर ही आपको जिला मिलेगा, जो च्वाइस आप जिला करेंगे, दो या तीन जिले का आपको मिलेगा ये ऑप्शन, उसी में से आपको जिला आवंटित किया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया की कार्रवाई तथा संबंधित अन्य कार्य के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विद्यमान प्रावधानों के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा, मतलब चयन प्रक्रिया एग्जाम से संबंधित ये कौन निर्णय लेगा आपका, बिहार एसएससी निर्णय लेगा, ठीक है, बिहार एसएससी निर्णय लेगा कि किस तरह से इनकी नियुक्ति करनी है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, ये सभी चीजें बाद में आएंगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। नियुक्ति का प्राधिकार देखिए, आपको जिस विभाग में जाएंगे वहां नियुक्ति का विभाग जो होगा वो प्रमंडल कार्यालय स्तर पर जिला या प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है उनके जिला पदाधिकारी होंगे और जिला से संबंधित जिलाधिकारी ही नियुक्ति प्राधिकार होंगे, ठीक है। चूंकि आपको मेरिट लिस्ट बना करके जिला में आवंटित कर दिया जाएगा, जिला में भेज दिया जाएगा, वही प्रमंडल कार्यालय अवस्थित होंगे, तो जहां प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है वहां प्रमंडल, और जहां प्रमंडल कार्यालय अवस्थित नहीं है वहां जिला आपका प्रधान कार्यालय होगा, वही आपको नियुक्ति प्राधिकार होगा। नियुक्ति पत्र आपको नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्त करते समय निम्नलिखित अनुपालन किया जाएगा, प्रत्येक विभाग या कलेक्ट्रेट नियुक्ति प्राधिकार पर हस्ताक्षर सभी कोषागारों को उपलब्ध कराएगी, ये सभी प्रक्रिया है, सेवा शर्तें हैं आपकी, तो कोषागार के थ्रू आपकी पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए प्रोबेशन का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा कितने दिनों की होगी, देखिए ये मुख्य रूप से आपकी परिवीक्षा जो होगी मतलब प्रोबेशन होगा वो होता है 2 वर्षों का, ठीक है, 2 वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर आपकी सेवा संपुष्ट कर दी जाएगी, मतलब आप परमानेंट, ये 2 वर्ष के बाद आप परमानेंट जॉब में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाई गई तो आपको 1 वर्ष की अवधि और दी जाएगी, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, मतलब मैक्सिमम 3 इयर्स हो गया, ठीक है। परीक्षमान कुल अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी,
अगर आपका सेवा संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो यही आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोबेशन पीरियड कितने, 2 वर्ष की है, आपको 1 वर्ष एक्सटेंड किया जा सकता है अगर सभी सर्विस आपकी अच्छी नहीं है तो। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका सर्विस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। वरीयता सूची देखिए, मेघा सूची जो बनेगा ना आपका, मेरिट लिस्ट जो बनेगा, बीएसएससी जो बनाकर भेजेगी, वही आपका आधार होगा वरीयता सूची का। कौन पहले ज्वाइन करेगा, कौन बाद में ज्वाइन करेगा, ये वरीयता सूची का आधार नहीं होगा। वरीयता सूची का आधार जो तय करेगी आपका मेरिट, वही होगा। ठीक है, पदोन्नति के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप देखिएगा जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो, उसमें सारी चीज को क्लियर किया गया है। ठीक है, प्रमोशन से संबंधित, तो यहाँ तक आपने सभी चीज़ों को समझ लिया है बारीकी से। फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स है तो डेफिनेट रूप से आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इससे मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। और ये आपने जो इसका प्रमोशन से संबंधित जो स्कोप फंसा हुआ था, कहते हैं कि प्रमोशन से संबंधित जो स्कोप आपका फंसा हुआ था तो वो अब क्लियर हो गया है, इसी कारण वैकेंसी भी रुकी हुई थी। ठीक है, तो अब ये प्रमोशन का जो स्कोप फंसा हुआ था ये आप देख सकते हैं कि हाल ही में क्लियर हुई है, ये 5 जनवरी 2024 को क्लियर हुई है। प्रमोशन से संबंधित जो स्कोप फंसा हुआ था आपका, वो कब क्लियर हुई है, 5 जनवरी 2024 को क्लियर हुई है, मतलब बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आपके पास होगी। ठीक है, वैकेंसी बहुत जल्द आपके पास होगी, वैकेंसी बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।